गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। मुझे पूरी हुई पूरी आपसे होप है कि आपने वो सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा जो आपको बताया गया था कल। हमारा कल हम किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, हम पहले ये बताते हैं, हम किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने इस चैप्टर के बारे में कल स्टडी की थी। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कल? हमने ये बताया कि फिजिकल और केमिकल चेंज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होते हैं, इरिवर्सिबल क्या होते हैं, और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ये सब हमने पढ़ा। लास्ट में एक टॉपिक था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, वो भी आपने पढ़ लिया था। आज आपका जो टॉपिक है आप वो क्या पढ़ोगे, इसका सेकंड पार्ट, वो क्या है? केमिकल चेंज। जिस तरह से आपने कल काम किया था उसी तरह से आप डेली काम कीजिए। बस आपसे एक शिकायत है कि जो होमवर्क सबमिट करते हो आप शाम के टाइम पे, वो होमवर्क बहुत कम स्टूडेंट्स का सबमिट हो पाया है। सबने सबमिट नहीं किया, अप्रोक्सीमेटली 9-10 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है। आप क्लासेस कितनी लेते हो? ऑनलाइन क्लासेस में भी 15 स्टूडेंट्स हो जाते हो आप, और होमवर्क आप सेंड नहीं करते। गलत बात नहीं है, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है इतने प्यार से तो आपको भी उनका प्यार के साथ सपोर्ट करना चाहिए और आपको पढ़ाई करनी चाहिए अपनी, ठीक है? तो मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि आज वाला जो होमवर्क है आप सब सबमिट करोगे, लर्निंग में और राइटिंग में। लर्निंग का आपका लाइव क्लासेस में पता चलेगा आप कितना लर्न कर रहे हो, और राइटिंग का आपका आप सबमिट करोगे तब पता चलेगा। आपका टॉपिक, आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है हमारा इस चैप्टर का? केमिकल चेंज। तो बेटा केमिकल चेंज क्या होता है? सबसे पहले डिफाइन योर केमिकल चेंज। तो इसके अंदर आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक ऐसा चेंज, एक केमिकल चेंज है, इस बोल सकते हैं, ए चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर चेंज, जिसके अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हो, उस चेंज को क्या बोलते हो आप? केमिकल चेंज बोलते हो। क्या बोलते हैं आप? चेंज बोलते हो। तो आप इसमें लिख सकते हो आप डेफिनेशन में, ए चेंज इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। क्या कह रहे हैं आपको? बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक चेंज, एक आपका चेंज जिसके अंदर क्या है, इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कंपोनेंट, जिससे कोई भी आपका सब्सटेंस मिलके बना होता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको घटक भी बोल सकते हो। इसको हिंदी में अगर हम बात बताते हैं तो अगर बच्चों को दिक्कत आती है तो उसको क्या बोलते हैं आप? घटक बोलते हैं। कंपोजिशन मतलब, अगर आपको मैंने एक बार बताया था कि आपके फर्स्ट चैप्टर में भी, अगर आप चपाती बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है? आपको आटा जरूरी है, साल्ट जरूरी है, और आपको क्या जरूरी है वहाँ पे? वाटर, ठीक है? तीन चीज़ें आपको उसका चपाती का डो रेडी करने के लिए चाहिए। तो वो उसकी क्या है? कंपोजिशन है। क्या है? कंपोजिशन। कोई भी एक सब्सटेंस किससे मिलके बना है उसको आप कंपोजिशन बोलते हो। तो इसमें बताता है एक चेंज जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं आप? केमिकल चेंज बोलते हो। उस चेंज को क्या बोलते हैं आप? केमिकल चेंज बोलते हो। इसके एग्जांपल्स आते हैं, इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो हम एक एक करके आपके स्टडी करेंगे। जैसे आपको हमने नोट से भी नोट करवा रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका इसका, फोर एग्जांपल में आप इसका फर्स्ट एग्जांपल आप नोट कर सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जो आपका आयरन होता है उसको जंग लगना, उसको क्या बोलते हैं आप? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है? आपने देखा है ना आयरन का जंग लगना, लोहा होता है, लोहे पे जंग लग जाता है, कैसे कलर का लगता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का लगता है, लगता है ना रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन आपका भूरा भूरा सा कलर का आपका क्या होता है वहाँ पे? एक रस्ट बन जाता है। उसी को क्या बोलते हो आप? उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? रस्टिंग बोलते हो। तो रस्टिंग क्या है बेटा आपका? स्लो ऑक्सीडेशन होता है, या आप इसको ये बोल सकते हो जब कोई भी आपका आयरन ऑब्जेक्ट, रस्टिंग कैसे होती है जब आपका कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है वो किसके कॉन्टैक्ट में आता है? मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है,
ठीक है, एक साथ मॉइस्चर मिल रही है उसको, वाटर मिल रहा है वहां पे, ठीक है, दोनों चीजें अगर जब ये मिलती हैं और एक लॉन्ग टाइम के बाद, वो क्या होता है उसमें धीरे धीरे एक रेडिश ब्राउन कलर का क्या होने लग जाता है, एक मटेरियल बनने लग जाता है आयरन में, उसी को आप क्या बोलते हो, रस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप, रस्ट बोलते हो। तो क्या होता है यहाँ पे, आयरन होता है, आयरन को क्या किया जाता है यहाँ पे, वाटर और आपकी एयर दोनों दिए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, रस्ट, वो जंग बन जाता है आपका, ठीक है। जंग बनने के प्रोसेस को बोलते हैं आप रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग कैसे होती है, जब कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट हो उसको मॉइस्चर में वाटर के और एयर के कॉन्टेक्ट में लेके जाते हैं, तो वहां पे उस पर रेडिश ब्राउन कलर का क्या बन जाता है, एक सब्सटेंस बनता है रेडिश ब्राउन, तो उसको क्या बोलते हो आप, रस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप, रस्ट बोलते हो, रस्ट बोलते हो, ठीक है। ये बात किसकी हो गई आपके फर्स्ट एग्जाम्पल की, ठीक है। सेकंड बात आपकी इसकी कहता है कि आप किसकी कहते हो, इसका एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। बेटा केमिकल चेंज में हमने ये बताना था आपको कि केमिकल चेंज क्या होते हैं आपके, इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं आपके, इरिवर्सिबल होते हैं, और ये आपके चेंज क्या होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं, ठीक है, परमानेंट। इरिवर्सिबल कैसे, अगर आपके आयरन का जंग लग गया तो जंग से फिर आप आयरन बना सकते हो, आप कभी भी नहीं बना सकते, तो ये कैसा चेंज है आपका, इरिवर्सिबल चेंज है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद सेकंड कहता है बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल तो कैंडल किस तरह की शेप की होती है, इस तरह से तो कैंडल होती है। यहाँ पे आपका एक वो फाइबर होता है धागा, जिससे क्या किया जाता है, उससे आपकी लो निकलती है, ये आपकी क्या होती है, कैंडल होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो वैक्स है बेटा, जो वैक्स का तो हमने एग्जांपल दिया था, मोम पिघल जाता है, उससे फिर आप मोम बना सकते हो, तो वो कैसा चेंज था आपका, फिजिकल चेंज था। बट जो इसके अंदर जो ये धागा होता है, जो धागा है इसके अंदर पूरा, ये किसका है बेटा, आपका कॉटन है, आपका क्या है, आपका कॉटन थ्रेड है। ये क्या होता है, जल जाता है, ये दोबारा आपको धागा मिलता है, नहीं मिलता। वो कॉटन थ्रेड क्या होता है, जलने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, और गैसेस में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका जलने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं आप, ये कैसा चेंज है आपका, केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है आपका, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। सेकंड इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड इसका एग्जांपल बेटा, यहाँ पे आप बात करोगे, इसमें रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन किसकी करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, या इसका दूसरा नाम लिख दो विनेगर, क्या होता है आपका, विनेगर विद बेकिंग सोडा, किसके साथ, आपकी बेकिंग सोडा। दोनों नाम आपके सुने हुए होंगे, अगर आपने कभी किचन के अंदर एंट्री की है तो दोनों नाम आपके सुने हुए होंगे। चाउमीन किस किसने खाई है ये बताइए आप, सबसे पहले आज की क्लास में ना मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आपने चाउमीन किस किसने खाई है। तो चाउमीन के अंदर आपने देखा है वो व्हाइट बोतल जो आपकी डलती है वहां पे, अगर किसी के बनाते हुए देखा है तो वहां पे उसको क्या बोलते हो आप, विनेगर बोलते हो, व्हाइट जो बोतल से वो डालता है उसको, इसका नाम क्या होता है हिंदी में, अगर आप बोलो तो सिरका, क्या बोलते हैं इसको आप, सिरका बोलते हो, ठीक है। इसका एक साइंस में जो नाम होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड, क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड होता है। और बेकिंग सोडा आपका किस में यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा आपके छोले भटूरे बनाते हो ना, तो भटूरे बनाने में, केक बनाने में जो आपका यूज किया जाता है वो क्या होता है आपका, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का साइंस में जो नाम होता है वो क्या होता है आपका, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका क्या है आपका, सेकंड नेम है। आगे इतनी बात समझ में। इसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, आपको क्या करनी है, एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या नोट करोगे, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, विनेगर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद कर लेना, CH3COOH, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड या विनेगर का साइंस के अंदर। फिर उसके बाद आप इसके किसके साथ रिएक्शन कराते हो, बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन कराते हो, क्या कराते हो आप, बेकिंग सोडा के साथ। तो बेकिंग सोडा को क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका साइंस में फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका इसमें फॉर्मूला होता है। और ये आपको क्या बना के देता है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है यहाँ पे, सोडियम एसीटेट, क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और फिर क्या बनाता है आपका, वाटर बनाता है, क्या बनाता है आपका, वाटर। देखो आपको लिख के दिखा दिया यहाँ पे, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA, क्या होता है, CH3COONA, कि सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला है CH3COONA। यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, आपका रिएक्शन कराई थी आपने एसिटिक एसिड की बेकिंग सोडा के साथ, तो एसिटिक एसिड का
नाम सेकंड विनेगर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। बेकिंग सोडा आपका दूसरा कंपोनेंट था, इसका सेकंड नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं आपके, सोडियम एसिटेट बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, CH3COONa। क्या बनाते हैं, CH3COONa, इसको क्या बोलते हैं आप, सोडियम एसिटेट बोलते हो। और दो प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो ये कैसी रिएक्शन है कि एसिटिक एसिड बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ना आपका वाटर। ये कैसा चेंज है आपका, केमिकल चेंज है कि दोनों सब्सटेंस की कंपोजिशन कुछ अलग ही बन गया। ये कैसा प्रोसेस होता है आपका, इरिवर्सिबल होता है आपका, आपको इस तरह से हो गया। फिर इसके अंदर एक और कंडीशन देता है आपको ये, कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये तो आपने कर दिया रिएक्शन, तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो आपकी जो इसमें रिएक्शन होगी, तो उस टाइम पे एक हीजिंग साउंड, थोड़ी सी कहते हैं ना डरी हुई सी जो एक आवाज़ होती है, हीजिंग साउंड से आपकी कपकपी सी पप आपकी, तो वो आपकी आवाज़ निकलेगी इन रिएक्शन के दौरान में, ठीक है, बबल्स के टाइप में। तो वो जो आवाज़ होती है हीजिंग साउंड, वो क्या इंडिकेट करती है कि इसमें से गैस रिलीज हो रही है, उस गैस का नाम क्या है यहाँ पे, CO2। बेटा फिर आपसे कहता है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है इसी के अंदर, कि आपको कैसे पता चला कि ये CO2 गैस थी, तो साउंड से आपने बता दिया कि एक आपकी साउंड होती है कि जैसे किसी भी चीज़ के अंदर गैस वगैरह एंट्री करती है, बुलबुले टाइप की आवाज़ थी आपकी, पर आपको पता कैसे चला कि ये CO2 ही थी। तो इसके लिए आपकी क्या की जाती है, यहाँ पे रिएक्शन कराई जाती है, काफ़ी काफ़ी आपके टेस्ट होते हैं, डिडक्शन टेस्ट जो आप करोगे, अब वो आपको पहले अब वो कराते हैं। आज आप इसमें पढ़ोगे, आपको क्या करना है, टेस्ट टू डिटेक्ट CO2, कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए आप कैसा टेस्ट करते हो। तो इसके लिए आपका जो रिएक्शन होती है, उसके लिए आपको यहाँ पे बनाया जाता है कि आपने क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली बेटा, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को आपने किससे फिट कर दिया, यहाँ पे एक कॉर्क लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, एक कॉर्क। इसके अंदर आपने क्या फिल कर रखा है, आपने यहाँ पे आपका है विनेगर, जो लिक्विड है वो तो क्या आपका विनेगर, इसमें आप पाउडर ऐड कर देते हो, उसका नाम क्या है आपका, बेकिंग सोडा। क्या ऐड कर देते हो आप, बेकिंग सोडा, दोनों को आप इसमें मिक्स करके आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो इसमें क्या होगी, रिएक्शन होगी, क्या होगी बेटा आपको पता है, रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपने क्या लगा रखी है, बीच में आपने एक ट्यूब लगा रखी है, क्या लगा रखी है आपने, एक ट्यूब लगा रखी है। ये किस पे जा रहा है आपका, ये दूसरी आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, वो टेस्ट ट्यूब आपकी किस तरह से, इस तरह से आपकी दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने इसको यहां से क्लोज करना है, फिर आपने कोर्क लगा दिया। बेटा कोर्क का मतलब क्या होता है, इसको कवर करने के लिए जो ढक्कन होता है आपकी, जैसे बोतल की कैप होती है, इस तरह से आपके टेस्ट ट्यूब के आपने कोर्क लगा दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने क्या रखा है, आपने एक सोल्यूशन फिल कर रखा है, उस सोल्यूशन का नाम आपका यहाँ पे क्या होता है, जल्दी बताइए, आपका इस सोल्यूशन का नाम यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर, क्या है आपका, ये लाइम वाटर, ठीक है। आपने यहाँ पे लाइम वाटर आपने क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, क्या होता है आपका, CaO, इसको एक तरह से ये बोलते हैं आप, चलो आप ये बोलते हैं क्यूक्लाइम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप, क्यूक्लाइम। CaO आपका इससे आपने फिल कर रखा है, आपने इस रिएक्शन, इसकी रिएक्शन लिखी थी, वो रिएक्शन क्या थी, कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COH होता है, ये विनेगर होता है, वो किसके साथ रिएक्शन करता है, आपके बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करता है, और आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, सोडियम एसिटेट मिलता है आपको, और उसके साथ आपको क्या मिलता है, हाइड्रो वाटर मिलता है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो बेटा वाटर और सोडियम एसिटेट तो इसी के अंदर मिक्स होकर रह जाएंगे। जो गैस यहाँ से निकलेगी, उस गैस का नाम क्या है यहाँ पे, CO2, क्या निकलेगी, CO2। तो ये CO2 इसके अंदर एंट्री करेगी, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मतलब जो आपका लाइम वाटर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा आपका, CaCO3, क्या बना देगा आपका, CaCO3, ठीक है। इस तरह से आपकी बात होती है यहाँ पे, कि आप इसको, सॉरी ये आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला गलत हो गया आपका, इसका इसको बोलते हैं आप स्लैक्ड लाइन, क्या बोलते हैं इसको आप, स्लैक्ड लाइन बोलते हो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, क्या बोलते हैं आप इसको, CaOH2। तो यहाँ पे भी आप इसका क्या पुट करोगे, CaOH2। ये CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और सेकंड क्या बनाता है आपका, वाटर, क्या बनाता है आपका, वाटर। अब आपको पता कैसे चला कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी,
बेटा इसका कलर आपका कोई कलर नहीं था, बट जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास होती है तो इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है, मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? मिल्की कलर। आपका जो वाइट वाइट क्या होता है, आपका मिल्क होता है वाइट कलर का, आपका ये मिल्की कलर में क्या हो जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है कि आपको ये बताता है कि यहाँ पे क्या थी, इस रिएक्शन के अंदर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमका हमारा ये पढ़ने का मोटो क्या था आपका, हमारा मोटो ये था कि हमें क्या करना है कि टेस्ट टू डिटेक्ट सी ओ टू। आपका कौन सा एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर सी ओ टू गैस निकलती है। तो अगर आप सी ओ टू गैस को किस में से पास कराते हो, लाइम वाटर में से पास कराते हो। लाइम वाटर का मतलब क्या, आप सी ए ओ एच टू, ठीक है, सी ए ब्रैकेट ओ एच टू आप लाइम वाटर में से पास कराते हो तो उसका कलर वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है। वो चेंज किस में कर देती है, आपका मिल्की कलर कर देती है। अगर मिल्की कलर हो जाता है तो इट मीन्स ये गैस कैसी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई और गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, तो इसका कलर मिल्की नहीं होता और आपको पता चल जाता कि यहाँ पे जो गैस है वो सी ओ टू नहीं है। तो ये टेस्ट आपका किसके लिए था, आपका डिटेक्ट करने के लिए कि इस रिएक्शन के अंदर आपकी सी ओ टू गैस निकलती है या नहीं निकलती। ये रिएक्शन भी कैसी है आपकी, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है आप इसके। तो इस चेंज को क्या बोलते हैं आप, केमिकल चेंज बोलते हो। क्या बोलते हैं आप इसको, केमिकल चेंज बोलते हो। एक तो इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, और इसके टेस्ट आप और एग्जाम्पल ले सकते हो इसके लिए आपका, केमिकल चेंज का और बेस्ट एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि एक मैग्नीशियम रिबन था। मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, जल जाता है और वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि जलता है तो आग लगती है, बिल्कुल व्हाइट लाइट के अकॉर्डिंग, व्हाइट लाइट की तरह आपका ये शाइनिंग भी अंदर मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही क्या करते हैं, डेजलिंग लाइट, एक आपकी डेजलिंग आपकी क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है, उसको आपको ग्लो करके ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये भी कैसा चेंज है आपका, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है एक और आपका इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि जो केमिकल चेंज का, कि बेटे सबसे पहले इसने रिएक्शन बताई है कि जो आपकी सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का और आयरन का, आपको रिएक्शन किसके बीच में करनी है, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट और आयरन, किसके बीच में करनी है, आपको आयरन के बीच में करनी है, ठीक है। ये बात हो गई। तो सबसे पहले बेटा मैं कहती हूँ कि कॉपर सल्फेट का सेकंड नाम क्या है। यहाँ से आपके ना जीके के क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपको याद रहनेंगे माइंड में। कॉपर सल्फेट को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, ब्लू विट्रोइन, ठीक है। कॉपर सल्फेट को एक सेकंड नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं आप, ब्लू विट्रोइन, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह से विट्रोइन, कॉपर सल्फेट का सेकंड नाम। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CuSO4, क्या होता है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है। इसका सेकंड नाम क्या होता है, ब्लू विट्रोइन। और ये कैसे कलर में होता है आपका, ये ब्लू कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो इसने कहा है कि आप जब आयरन की कोई भी नेल है, आप कील ले लीजिए या ब्लेड ले लीजिए, उसको किस में डिप करते हो आप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हो। किस में डिप करते हो आप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हो, मतलब कहने का CuSO4 में डिप करते हो। आयरन ही लिख लो, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे क्या है आपकी, Fe। आगे बात समझ में। तो उस टाइम पे ये क्या बनाते हैं आपका, ये कलर था आपका ब्लू, सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। तो उस टाइम पे कलर को ये चेंज कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, ये आयरन सल्फेट, क्या बना देगा आपका, आयरन सल्फेट, जिसका कलर फॉर्मूला है FeSO4। और कलर आपका क्या है यहाँ पे, ग्रीन। क्या कलर है इसका, ग्रीन। आपके सॉल्यूशन का कलर ब्लू से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और लास्ट में आपको क्या मिलता है, कॉपर। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, कॉपर मिलता है, जिसका कलर कैसा है, ब्राउन, जिसका कलर कैसा है आपका, ब्राउन, ठीक है। तो आपको जादू वाला कहते हैं ना कि जादू आ गया, छोटे बच्चे को थोड़ा ज्यादा पागल बना देते हैं जिनको साइंस नहीं पढ़ी हुई, वो क्या कर देते हैं, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं ब्लू कलर का, उसमें आयरन के कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल देते हैं, ठीक है। उससे उस सॉल्यूशन का कलर कैसे जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो वो कहेगा कि देखो एक मिनट के अंदर आपका क्या किया हमने, सॉल्यूशन का ब्लू से क्या कर दिया, ग्रीन कलर चेंज कर दिया। आपको लगेगा कि वहाँ पे मैजिक हो गया, वो मैजिक नहीं होता, वो वहाँ पे क्या होती है, साइंस होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं आपके, रिएक्शंस करते हैं। और ये रिएक्शंस किस तरह से होते हैं ये सब आप आगे के स्टैंडर्ड्स पे पढ़ोगे, आपको सिर्फ अभी याद करना है। सॉल्यूशन बनाएगा वो आयरन, पहले कॉपर सल्फेट था सॉल्यूशन में, अब क्या हो गया, वो आयरन सल्फेट हो गया, ठीक है। ये बात वहाँ पे कहता है, हो गया ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। इसके बाद आपका कहता है केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स के बाद कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने काफ़ी बार आपको बता दी गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी आपकी, सबसे पहले
वही बात है कि इसके अंदर क्या चेंज होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, भूलना मत, फिर से कह रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है? चेंज होती है। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई थी, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती। सेकेंड आपको कहता है वो चेंज रिवर्सिबल था, ये चेंज आपका कैसा है? इरिवर्सिबल है। कैसे आपका? इरिवर्सिबल चेंज है, और ये आपका परमानेंट चेंज है। वो टेम्पररी था, ये कि आपका परमानेंट चेंज है। थर्ड कहता है उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता था, इसमें हर केस में क्या बनेगा? न्यू प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे आपके? न्यू प्रोडक्ट क्या होंगे? फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। और फोर्थ इसकी क्या थी? उसमें एनर्जी लॉस या एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्प्शन क्या था? बहुत कम था। इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज, या बोल सकते हो एनर्जी लॉस, वो क्या होगा आपका? बहुत ज़्यादा होगा, इज मोर आपका, ये क्या होगा? ज़्यादा। इस तरह से आप क्या पढ़ लोगे? ये केमिकल चेंज पढ़ लोगे। क्या पढ़ लोगे आप इसमें? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज पढ़ लिया, केमिकल चेंज पढ़ लिया। अब आपका एक दिन का चैप्टर बचता है, वो हम बाद में अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ आपको इतना करना है कि जो पढ़ाया है वीडियो, मुझे पता है कि आपके लिए नया था, रिएक्शंस आपके सिलेबस में पहले नहीं है, तो आपको याद करने में दिक्कत आएगी। तो आप इस वीडियो को एटलीस्ट टू टाइम्स, एटलीस्ट आपको टू टाइम्स देखना है। जो ये रिएक्शंस हैं आपके, आपको याद करने में, इनके नाम याद करने में आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए कल संडे है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। हर रिएक्शन को अपनी रफ नोटबुक में लिख लिख के याद करोगे, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ये चीज़ें कि चेंज की। अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं ये कह देती हूँ कि आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है, किसके बीच में आपको चेंज बताना है, कॉपर सल्फेट में आप आयरन की नेल आप डिप करते हो तो क्या रिएक्शन होगी, तो आपको ये वाली रिएक्शन आपको लिख के दिखानी पड़ेगी। चेंज कैसा है? ये केमिकल चेंज है, रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो आप इसका वीडियो को एटलीस्ट टू टाइम्स देखिए, कम से कम दो बार, तीन बार देख सकते हो, चार बार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको याद कीजिए। अगर आपने अब याद कर लिया चैप्टर तो आपको इजीली वो अच्छे से याद हो जाएगा, अगर आपने अब याद नहीं किया तो इट मीन्स आप वो कभी याद भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि समझाने वाला बंदा नहीं मिलेगा ना आपको। अब याद कीजिए, जो डाउट्स होते हैं आज की क्लास में पूछिए, नेक्स्ट क्लास में मंडे को पूछिए, आपकी क्लास है मंडे को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।